मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ ना, क्योंकि बोलने से इतना समझ नहीं आएगा ना। देखो एलसीएम, देखो ब्लू कलर ही ब्लैक लेते हैं। चल देखो एलसीएम हमारे यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, राइट। हाँ वैल्यूज रखना है सिर्फ, ठीक है। एलसीएम और डिनोमिनेटर वन, डिनोमिनेटर वन ये है, इधर देखो 3/5, तो 3/5 का डिनोमिनेटर ये होगा, है ना, बेस जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब हम 5 लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर वन, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वन 5 ही था। जब 5 को 35 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स। तो जो 7 आया है, इस 7 का आपको खास ख्याल रखना है, ये आपको आगे लेके जाएगा। देखो 7 है ये, ठीक है, मैंने यहाँ रुपये निशान लगा दिया है, इसको ध्यान रखना। अब देखो हम दूसरा देखते हैं डिनोमेटर दूसरा, यहाँ पे एलसीएम यही है 35, इसके लिए यही रहेगा सेम, एलसीएम चेंज थोड़ी ना होगा, किसके लिए चेंज होगा, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, एलसीएम एक ही रहेगा, ठीक है। देखो एलसीएम हमने लिख लिया, अब डिनोमेटर टू, अब डिनोमेटर टू ढूंढना पड़ेगा। तो डिनोमेटर टू कौन सा है, देखो ये राइट, डिनोमेटर ऊपर वाला, डिनोमेटर नीचे वाला, तो 7 क्या है ये डिनोमेटर, तो अब 7 लिख लेंगे। डिनोमेटर सेकंड जो है हमारा 7 है, तो 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स। तो 7, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो एलसीएम की वैल्यू रख दी हमने, डिनोमेटर टू हमारा 7 है, और 7 की टेबल में 37 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है, सब जानते हैं, ऐसे तो कोई नहीं जिसको टेबल नहीं आते, टेबल याद कर लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 7 5 35, ठीक है, ये 5 का भी खास ख्याल रखेंगे, आपका ये नया दोस्त है, ठीक है, एक 7 और एक 5, ये आगे हम स्टेप 3 में इसका यूज़ करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं स्लाइड को थोड़ा देखो, इसमें मैंने क्या बताया एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। देखो दो फ्रैक्शंस दे रखे थे हमें, 3/5 + 2/7, है ना, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर होता है 2 न्यूमरेटर है 3 न्यूमरेटर है, जबकि 5 और 7 डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब क्या करा हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 35 आया। फिर क्या करा स्टेप टू में हमने एलसीएम को डिवाइड करा डिनोमिनेटर वन से, जितने भी डिनोमिनेटर रहेंगे आपके, डिनोमिनेटर वन डिनोमिनेटर टू यानी फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर चेंज होते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या पे एलसीएम हमारा 35 आया था और डिनोमेटर 1 यानी कि 5 ये रहा, तो 5 को 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है, हमने 7 लिख दिया, तो 5 7 जो 35 हो गया। और फिर हमने एलसीएम दूसरा, देखो एलसीएम हमारा 35 आया था, राइट, दोनों डिनोमेटर के लिए एलसीएम